So. भाई इस वक्त हम लोग केवाई में हमारे जो भाई ने आए हैं ठीक है उनको जूते पहना रहे हैं ताकि ऊपर जाके क्या कहते हैं मसला ना बन जाए, पाँव ठंडे ना हो ठीक है। एहतियात हम यहाँ रुकते हैं, यहाँ रुक के उनको जूते वगैरह प्रोवाइड करते हैं रेंट पे। रेंट पे होता है सही है, उसके बाद यहाँ पर आगे वापसी करना है। वापसी पे यहाँ वापसी करना है। हाँ बिल्कुल अपना रेंट और आगे सब कुछ क्राउड वगैरह जो भी है वो इधर आगे है, उसके बाद फिर आगे जाकर हम सब कुछ यहाँ से निकलेंगे। तो बहुत बड़ा है यार ये ये वाला शूज जो है ना बेटर लग रहा है, वो वाला बहुत बड़ा हो गया था। अब हम ये वाला चेंज करेंगे, ये वाला रखेंगे, ये वाला लेके जाएंगे वापसी में आके ये देंगे वापसी। उसके बाद सर कोस्टर से 4x4 में हम कन्वर्ट होते हुए और कवाई का रास्ता है ये। हम लोग शुग्रान के लिए लोगों को ये जीप हमारे पास आ गई है। फैमिलीज जितनी भी थी सारी बैठ गई, आई थिंक 3 से 4 जीप जा रही है ये और हम लोग भी रेडी हैं जाने के लिए। हमने शिशांत भाई के हाथ में कैमरा दे दिया था क्योंकि हम जीप के अंदर बैठे हुए थे, पर हमने कहा हमारा व्लॉग है हम भी आएंगे थोड़ा सा अपने व्लॉग में। शुग्रान में है, अच्छा एक्सपीरियंस गुजर रहा है, चैन लगाते हुए शिशांत भाई को देखा। शिशांत भाई से यहाँ से एक्सपीरियंस। हाँ शिशांत भाई बस ये जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। अभी हम लोग चैन बांध रहे हैं ताकि गाड़ी आगे फिसलती है वो ना फिसले ठीक है। तो सेफ्टी के लिए ये चीज़ अपने साथ ले भाई लोग लेके घूमते हैं। ओके ओके, अभी ऊपर से हमें बर्फबारी हो नहीं रही पर दरख्त है ना ये सीन देखो। हाय हाय हाय, खा सकते हैं यार, गला ख़राब तो नहीं होगा पक्का वाला भाई। मैं आपसे खा रहा हूँ है मैं। कोशिश करता हूँ अफसर भाई अपने बाकी पार्टनर्स के लिए भी थोड़ी सी मिठाई लेकर आऊँ। भाई शुग्रान की स्पेशल मिठाई खानी है आप लोगों में किसी को है? भाई हम चख लेते हैं। थोड़ा मीठा चख लो यार, अगर आप लोग चख सको तो। कैसा लगा मीठा? वाओ है, वाओ हो गया, वाओ वाओ हो गया, चमचम जैसा है, बिल्कुल चमचम जैसा है भाई। हाँ हाँ, बस मुझे डर ये लग रहा था गला ना खराब हो जाए, बाकी खैर है। दूसरी जी हमारी जी भाई, चमचम खाओगे चमचम? पिछले दोनों टायरों में लगाएंगे हम। हाँ ये आगे भी लगता है, पिछले टायरों में लगता है। आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर और जा रहे हैं हम, तो अभी यहाँ का थोड़ा बहुत व्यू दिखा देते हैं आपको। मेरे बैक साइड में जो आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह बहुत ही कोई खूबसूरत जगह है। ज़्यादा खा रहा हूँ अब मैं, रख रहा हूँ। आप एक सेल्फी लेंगे हम और ऊपर जाके आपको बाकी अपडेट देते हैं। ओके जी, शुग्रान में इस टाइम आ चुके हैं बिल्कुल टॉप पर सिरी पाए। आप लोगों को मेरे बैक साइड पे नज़र आ रहा होगा, जिनको ट्रैकिंग करनी होती है वो ऊपर जाते हैं कि एक हमारी गाड़ी नहीं आई, उसका हम वेट कर रहे हैं। हम लोग जो है ना अभी आ चुके हैं, एक पीछे पीछे आ रही थी। असल में सबसे ज़्यादा जो मसला होता है ना वो एक ही रूट है और जब उसमें यू टर्न आ रहा होता है ना, जब एक सामने से आ जाए तो एक हमारे होते हैं, तो उसमें बड़ा मसला हो जाता है वापसी घुमाने के लिए। तो बहरहाल आगे जा रहे हैं अब हम, थोड़ा सा आपको शुग्रान का व्यू दिखाएंगे कि शुग्रान है कैसा। ऊपर से बिल्कुल टॉप से तो बर्फ़ आ रहा है और सामने से ये सीन है। इन्होंने यहाँ अंदर हाथ डाला, खैर शराब कर रहे हो यहाँ पर, तो गलती से स्लिप हो गए, हाथ अंदर गया और इतना अंदर गया यहाँ तक। ओफ चल हो गए। वॉशरूम जाने के लिए हम लोगों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। गाड़ी आप गाड़ी रिवर्स करें, हमें थोड़ा आने दो। आ जाओ भाई, जाओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ जाओ भाई। फी बंदा 20 रुपये, 20 रुपये दो भाई जान, पहले 20 रुपये दो भाई जान।
करो करो फ्री में करो आप, शुग्रान में आप फ्री में करो, जाओ क्या याद रखोगे। सीन ऑन चल रहा है, बहुत अच्छा व्यू है। आगे आगे ये जो दरख्त है ना बिल्कुल टॉप है, मतलब हम नीचे से जो देख रहे थे बिल्कुल टॉप पे जहाँ पर हम रुके थे दरिया के पास, तो बिल्कुल ही टॉप पर आ चुके हैं। बट इससे भी बिल्कुल टॉप जो है ना वो वहाँ पर जो सिरी और पाए, वहाँ पर जाने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है, तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है। बट मेरी वाइफ जाएगी नहीं ऊपर, तो इसीलिए मैं भी नहीं जा रहा, नीचे बैठ के इंजॉय करेंगे चाय पकौड़े और ये सब चीज़ें। सॉरी कराची से खाने के लिए लोग दूर दूर से शुक्रान आते हैं आलू चना खाने। ब्लॉगर में डालना आसान है, चटपटा है। अच्छा सीन है, रुक जा बस बस। अरे हमें तो चलाना आ गया यार, चलाना हमें तो चलाना आ गया, दिखाओ हमें भाई घुड़सवारी करनी आ गई है। हम अर्तकल में हमें कास्ट मिल सकती है हमें। कैसा लगा सर आपको? अच्छा लगा भाई, इन्होंने बोला है आपको अगर इंटरेस्ट है बैठने में तो बैठो। चलो जी हम शुक्रान से वापसी जा रहे हैं। बाय बाय। ये लोग थोड़ा सा देर से आएंगे क्योंकि जितने सारे हमारे बाकी दोस्त हैं वो सारे ऊपर गए हैं सिरी पाए वो व्यू देखने के लिए, हमारे सारी रेडी हो चुके हैं। हम नीचे जाके असल में लंच करेंगे, जीप में बैठ रहे हैं शुक्रान का, बात हम कवाई में मिलेंगे। ओके जी, शुक्रान से हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ अच्छे व्यूज़ हैं। मैं आप लोगों को 1-2 मिनट में यहाँ का जल्दी से ना ये वाला सीन दिखा देता हूँ। शुक्रान से हम नीचे आए क्योंकि मेरे DSLR की बैटरी भी लो हो रही है और मुझे आप लोगों को कुछ व्यूज़ भी दिखाने अच्छे अच्छे खूबसूरत ना, तो मैं जा रहा हूँ। ये एक होटल है सामने जो यहाँ पर बैठ के खाने पीने का सीन होता है, ये चारपाई लगी हुई है, ये सारा सीन और है। पाँव रखो सकून से बैठ के खाने वाला सीन होता है मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, पर हम लोग यहाँ पर खा नहीं रहे क्योंकि हमारे शूज़ हमने चेंज कर लिए और यहाँ पर हम बैठेंगे तो हमारे शूज़ फिर से गीले हो जाएंगे, तो हमें ज़्यादा शेल हो जाएंगे हमारे पाँव, तो हम लोग इसलिए यहाँ पर बैठ के रिस्क लेना नहीं चाह रहे। तो ये गर्मियों में यहाँ बैठ के खाने में बड़ा मज़ा आएगा। और इससे आगे जा रहा हूँ मैं, आप लोगों को 1-2 चीज़ें और दिखा रहा हूँ जो कि शायद आप लोगों के काम की हों, वो 2-3 चीज़ें। ये होटल एक छोटा सा, यहाँ पर पकौड़े वगैरह मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर सलाजीद है, इन्होंने बताया कि ओरिजिनल जेन्यन सलाजीद है। तो फिर से दिखा देता हूँ, इसके रेट भी यहाँ पर दिखा दिए हैं मैंने। ये यूट्यूब पे दे दी? हाँ यूट्यूब। चलो फिर आप शुरू से बताएं शुरू से ही बिल्कुल। आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। भाई दोस्तों, बड़ी जगहों पर सलाजीद बिकती है तो सलाजीद 95% लोग 2 नंबर बेचते हैं, तो इसमें आप असल नकल की पहचान यह करेंगे कि असल सलाजीत की जो खुशबू होती है वो जिस तरह पहाड़ी बकरे नहीं होते उस किस्म की होगी। अच्छा, इसकी आप खुशबू चेक कर सकते हैं। हाँ। और सेम टू सेम जो 2 नंबर होगी उसकी भी शिकल इसी सूरत में होगी, लेकिन इसकी खुशबू आपको जले हुए गुड़ चीनी की तरह। हाँ। भाई ये मैं बेचता नहीं हूँ, ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए रखी हुई है और बेचने के लिए मेरे पास असल चीज़ है। ये सही है। अगर मेरा माल आपको पसंद ना आए, मेरा माल खरीदा हुआ भी वापस हो सकता है TCS के जरिए या लिपट कोरियर के जरिए, मैं उसे वापस ले सकता हूँ। और असल की एक और पहचान है कि आपने मेघ के ऊपर थोड़ा सा लगा के आग देनी है, असली सलाजी जो होगी वो फूलती रहेगी, बाद में ऐसे मसलोगे सोआ बन जाएगी। और 2 नंबर को आप आग दोगे वो नीचे टपकेगी इंशाल्लाह। जब आप यूं तजर्बा करके लेंगे तो आपके पैसे भी बच जाएंगे और चीज़ भी आपको असल मिल जाएगी। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकअल्लाह। हम लोग यहाँ पर आए थे तो मैंने अभी आप भाई ने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि क्या असल पहचान है क्या नकल पहचान है, और इन्होंने जो प्राइस बता रहे थे वो 10 ग्राम के प्राइस थे, 12 ग्राम के प्राइस 600 रुपये थे, पर वो हम लोगों को 500 रुपये में दे रहे थे भाई मोहब्बत में। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वाली चीज़ देखी है, इन्होंने भाई बता दिया असल पहचान सारी चीज़ ना बता दिया। अगर आपको इंटरेस्ट बनता तो आप लोग, मैं तरह से आगे ब्लॉग अपना कंप्लीट कर आता हूँ। आगे हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ शॉप्स हैं, यहाँ पर ड्राई फ्रूट की शॉप है, यहाँ पर हम लोगों ने ड्राई फ्रूट लिया है। उससे आगे जब हम लोग गए थे तो
यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने शूज रेंट पे लिया था, वो वाली जगह है। शूज रेंट पे लेने के बाद जो फिर जो सीधा रास्ता निकल जाता है वो निकल जाता है शुगरान के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को थोड़ी बहुत मिल गई होगी। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। कल हम लोग जाएंगे वैसे डैम और आज जाते हैं होटल में, तो रात को ही व्लॉग अपना स्टार्ट कर देंगे और अपने होटल वालों से भी आज मिलवाएंगे क्योंकि आज आखिरी नाइट है हमारी हमारे टूर गाइड के साथ। तो आज हम लोग उनके साथ भी अपना व्लॉग बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं फिर कल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।